मित्रों जय माता दी माता दुर्गा की कृपा से और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आशा करते हैं आप और आपके परिवार वाले माता दुर्गा की कृपा से अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रों मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आती जाती रहती हैं मनुष्य को कभी धन दौलत की प्राप्ति होता है तो कभी कई प्रकार के संकटों मुसीबतों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में जब से यह महीना प्रारंभ हुआ है आपके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें कई प्रकार की समस्याओं संकटों और कई प्रकार की दुख तकलीफों का सामना भी आपने जरूर किया होगा चाहे वह पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियां हो, कर्ज़ से जुड़ी परेशानियाँ हो, या फिर लव लाइफ में आपके चल रही समस्याएं हैं या वैवाहिक जीवन में आपका पारिवारिक जीवन में या सांसारिक जीवन में आपको किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई तकलीफ और समस्याओं से सामना इस महीने आपको जरूर करना पड़ रहा होगा ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन बदलने वाला है कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होने वाली है क्योंकि वो कहते हैं ना मनुष्य के जीवन में भाग्य के बदलने के कारण मनुष्य की हर विपरीत विपरीतियां बदलती हैं सुधरती हैं और जीवन में धन दौलत की धन धान्य की प्राप्ति होती है कार्य क्षेत्र में भी इज्जत औरत की प्राप्ति होती है ऐसे में आपकी बार आप के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है मित्रों आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है आपका आने वाला समय आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेगा आपके जीवन में कौन सी खुशियां दस्तक दे सकती हैं कौन सी बड़ी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल सकता है प्रकार से धन दौलत की प्राप्ति कर सकोगे आपके घर वाले परिवार वाले और समाज वाले किस प्रकार से आपकी इज्जत कर सकते हैं आपके मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्य किस प्रकार से सफल होंगे और विशेष रूप से आपके जीवन में इस समय जिस भी प्रकार की जो भी मुसीबतें चल रही हैं उन सभी से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त कर सकोगे मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें तो मित्रों आपके लिए आने वाला समय बहुत बढ़िया रहने वाला है इस राशि के छात्रों को स्टूडेंटों को किसी नई कंपनी में जॉब के लिए नई कॉल आ सकती हैं, साथ ही आप किसी नए काम को करने की योजनाएं बना सकते हैं आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप किसी नए खुशनसीब खसन, और अजनबी से मुलाकात कर सकोगे जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा कार्य क्षेत्र में भी पैसों के लेन देन में आपको संभल कर रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पैसे आपको जीवन में इस समय कई प्रकार के ऐसे भी कार्य हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा या परेशानियों से घिरा रह सकता है लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप उन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे जो भी आपके जीवन में इस समय चली आ रही हैं। आपके लिए आने वाला समय बेहद खुशनुमा रहने वाला है और इस राशि के जो भी बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को किसी जरूरी काम से विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है मित्रों अगर आप बेरोजगार हैं अगर आप बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं काफी लंबे समय से आपको किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको इस समय बेहतरीन सुझावों की प्राप्ति कार्य क्षेत्र में भी आपको सहयोग की प्राप्ति होंगी कामकाज भी आपका अच्छा चलेगा और बेरोजगारों को नई रोजगार की प्राप्ति भी होने वाली है मित्रों भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होंगी आप अपने बॉस के साथ चिकनी चुपड़ी बातों को करके आप सकते हैं उनको मना सकते हैं और अपने सैलरी में बढ़ोतरी पा सकते हैं कार्य क्षेत्र में भी काफी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति कर सकोगे इस समय करियर को लेकर भी किसी बड़े फैसले को कर सकते हैं मित्रों अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको इस समय प्रॉपर्टी को डील करने का मौका मिलेगा और अगर आप इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों से जुड़े हैं तो उन सभी परेशानियों से भी आपको छुटकारे की प्राप्ति होने वाली है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर आप अच्छी सलाह लोगे और दोस्तों के साथ जो भी कार्य करेंगे उन सभी से आपको छुटकारे की प्राप्ति होंगे मित्रों इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी भाग्य का पूरा सहयोग मिलने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ भगवान बजरंग बली हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलने वाली है हनुमान जी की कृपा से आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बनने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता की प्राप्ति होने वाली है आप किसी घर परिवार में चल रही समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त कर सकोगे और व्यापार कर रहे लोगों को अपने गुस्से पर अपने कंट्रोल करने की जरूरत होंगे गुस्सा आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है इसलिए आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपके सभी जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं उन कार्यों में आपको तकलीफें आ सकती हैं और थोड़ी सी मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ सकता है सलिये आपको इस समय गुस्से को बचने करने से बचने का प्रयास करना होगा आपको लेन-देन में भी सतर्क रहने की जरूरत होगी और किसी नए कार्य को करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सोच-विचार कर लें और जिस भी क्षेत्र में आपको कार्य करने की योजना है उन क्षेत्र से जुड़े किसी जानकार व्यक्ति से आप सलाह लेकर ही किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की आप कोशिश करें मित्रों आपके लिए आने वाले समय बेहद ही उत्तम फलदायक रहेगा आपको अपने प्रतिरोधों से जो भी आपके प्रतिरोधी या कंपटीटर हैं उन सभी लोगों में आपकी एक अच्छी छवि दिखेगी और आप उनके आइडल बन सकोगे मित्रों आपको किसी के साथ कामयाबी का श्रेय भी मिल सकता है और आप कामयाबी की राह पर चल पड़ोगे मित्रों के सहयोग से आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं नए काम में अच्छा निवेश कर सकोगे अध्ययन और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं और किसी कानूनी मामलों में आपको अपने भाइयों से मदद भी लेनी पड़ सकती है संतान को आप संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ा सकोगे संतान से भी आपको बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी जो इस समय अविवाहित हैं अविवाहितों को भी विवाह के बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे विवाह के मार्ग में आ रही आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपको एक अच्छे परिवार से विवाह के मौके भी मिलेंगे जो आपके लिए खुशियों में चार चांद लगाने वाला होगा आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है परिवार के किसी सदस्य से परिवार के किसी सदस्य से कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है वहीं एक दूसरे के साथ मदद कर सकोगे तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होंगी कार्य क्षेत्र में भी आपका वातावरण काफी अच्छा रहेगा आपके जो भी लोग आपसे जलते हैं उन लोगों को भी इस समय जलने की बू आपको दिखेगी और आपके जीवन में इस समय हर तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी मित्रों समाज क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि अगर आप किसी के काम में नहीं आते हैं तो आप अपने शत्रु बना लोगोगे और आपकी छवि भी, भी खराब कर सकती है इसलिए आप जो भी कार्य करें बड़े ही जिम्मेदारी और बड़े ही मन लगन से कार्य करने की कोशिश करें आपके किसी मन की इच्छा पूर्ति होने से ना आपके परिवार में धार काफी प्रसन्नता रहेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं मित्रों जो लोग बिजनेस व्यापार करने की योजना बना रहे हैं अगर आप किसी नई योजनाओं को बनाना चाह रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी आज के दिन आपका बजट भी काफी अच्छा रहेगा, परंतु आपको खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी, तो क्योंकि आपका खर्चा आपके मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है इसलिए आप अपने खर्चों को थोड़ा सा हिसाब से करें तो आपके लिए सुंदर रहेगा आज का दिन आपके मेहनत से कार्य करने के लिए बेहतरीन साबित होंगे आप कार्य क्षेत्र में किसी के साथ कोई भी आ, कहा सुनी बातों पर ना भरोसा करें और आप अपने कानों और आंखों को बिल्कुल खुला रखें ताकि स्पष्ट देख सको और स्पष्ट सुन सको आपके खिलाफ जो भी षडयंत्र हो रहे हैं उन सभी का आप मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे आज का दिन आपके लिए शुरुआत से ही काफी अच्छी रहेगी आपके मित्रगण का सहयोग मिलेगा शाम के समय आप किसी नई योजना प्रकार कार्य कर सकते हैं आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी परेशानियां हैं उन सभी से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे माताजी से आपके संबंध काफी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम जीवन में भी काफी अच्छी खासी समय बिता सकते हैं आज के दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए काफ़ी शुभ रहेगा अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में घिरे हुए हैं और अगर आपको किसी समय कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानी हो रही है तो उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पक्ष में इस समय आता हुआ फैसला दिख रहा है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस समय किसी बेरोजगार हैं और अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको सुबह सुबह उठने के बाद आपको सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है उनके फोटो का चित्रण का जो भी आपके घर में मंदिर हैं आप वहाँ जाकर अच्छे से भगवान जी की पूजा उपासना करें अच्छे से उनको देखें और उनसे जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ हैं जो भी चल रही हैं उन सभी से छुटकारा पाने की आप उनसे विनती वंदना करें और गौ माता को हरा चारा जरूर खिला दें इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जीवन में धन से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी से घिरे हैं तो धन से जुड़ी परेशानियों से भी आपको छुटकारा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्राप्त तो होंगी आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी जरूर करें यथासंभव आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं जिस भी देवी देवताओं पर आपको विश्वास है उनका नाम लेकर आप जरूर अपने कार्य को सफल बनाएं आपके सभी कार्य जरूर सिद्ध होंगे इसी के साथ आपके जीवन में खुशियां बढ़ती रहेंगी कार्य क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना आप करना प्रारंभ करें आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें आपका दिन शुभ हो मंगलकारी हो मां विंदुआवा